सड़क के दोनों किनारे जेसीबी और सड़क के बीचों बीच गाड़ियों का काफिला। इस काफिले पर जेसीबी से फूलों की बारिश हो रही थी। देखने वाले हैरान थे तो स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि आखिर कौन है जिसका इस भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। तो ये कोई और नहीं बल्कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब थी। लोकसभा चुनाव नजदीक हो और हिना साहब का इस तरीके से स्वागत हो तो चर्चा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये पहली बार है जब मिथिलांचल के गढ़ यानी दरभंगा में हिना साहब का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। वैसे तो हिना साहब दरभंगा में कौमी एकता कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंची थी, लेकिन यह सियासी तौर पर एक मुकम्मल मैसेज देने की भी कवायद के तौर पर माना जा रहा है। हिना साहब के इस कार्यक्रम को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हुई थी। सोशल मीडिया पर यह चर्चा थी कि क्या हिना साहब का यह बिहार दौरा है और क्या वो 2024 की तैयारी को लेकर यह दौरा कर रही हैं और अपना वोट बैंक बनाने में जुटी हैं। लेकिन हिना ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि ये उनका निजी कार्यक्रम है। हिना साहब ने अपने पत्र में साफ लफ्जों में बताया था कि पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद साहबुद्दीन साहब इस संस्था के प्रति बहुत ही रुचि रखते थे और इस कार्यक्रम में लोगों के साथ हमेशा शामिल होते थे। लंबे समय से इस बात पर चर्चा भी है कि दिवंगत सांसद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राजद ने दरकिनार कर दिया है। चर्चा ये भी है कि हिना साहब को 2024 लोकसभा चुनाव में राजद से टिकट मिलने की संभावना ना के बराबर है। इस माहौल के बीच हिना साहब के बेटे ओसामा की गिरफ्तारी ने भी बहुत कुछ मैसेज दे दिया है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल भी है कि हिना साहब का सियासी भविष्य क्या है। इस भविष्य को लेकर संदेह के साये में कई कयास या अफवाह भी उठ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हिना साहब के लिए स्वागत और भीड़ देखकर लोजपा के चिराग पासवान एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गए हैं। बीते जुलाई महीने में जब चिराग पासवान ने हिना साहब से उनके घर पर जाकर मुलाकात की, तब भी माना जा रहा था कि वह हिना साहब को अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं। गाहे बगाहे चिराग ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि अगर हिना साहब चाहती हैं तो उन्हें लोजपा में शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि एक पेच ये भी है कि हिना साहब अगर लोजपा की तरफ रुझान बढ़ाती हैं तो वह अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी की सहयोगी भी हैं। बता दें कि 2024 चुनाव के लिए चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। ऐसे में संभव है कि हिना साहब बीजेपी की सहयोगी चिराग के साथ अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी से जुड़ जाएंगी। आजीवन राजद में रहने वाले साहबुद्दीन के समर्थकों का मानना है कि हिना साहब को टिकट नहीं देने पर राजद को सबक सिखा दिया जाएगा। यह सच है कि तीन बार लगातार हिना साहब को राजद ने टिकट दिया लेकिन हर बार हार मिली। ऐसे में अब राजद नया जोखिम लेने के मूड में नहीं नजर आ रही है। ऐसे में खबरें ये भी हैं कि यह सीट माले को दिया जा सकता है। अगर माले को टिकट मिलता भी है तो अमर यादव मैदान में हो सकते हैं।